जिसके काटने से कोई बचता नहीं है उसे हम लोग गुहेरा कहते हैं। उसने मेरे ऊपर अटैक किया, वो सामने से आया, बहुत बड़ा था, सामने से आया, उसने जैसे ही मुंह खोला वो मुझे काटने वाला था, बस मेरे एक कदम पास में ही वो मुंह खोल के वैसे ही बैठा रहा और संत रामपाल जी महाराज बीच में आके खड़े हो गए और मैं वहीं पर पीछे, बस मेरे एक कदम पीछे ही गुहेरा बैठा हुआ था और मेरी बोलती भी बंद हो गई। मैं इतनी डर चुकी थी कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकती थी, मैं किसी को चिल्ला भी नहीं सकती, मेरे अंदर इतना डर बैठ गया था। फिर भी परमात्मा बीच में आके खड़े हो गए और वो उसी तरह गुहेरा मुंह खोले हुआ बैठा हुआ था। संत रामपाल जी महाराज ने मुझे गुहरे से भी बचा लिया। संत रामपाल जी महाराज के दिए हुए नामदान के हिसाब से लाभ तो बहुत हुए। जैसे मैं 6th क्लास में पढ़ती तब से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी और ऐसा था कि अगर 6 महीने ठीक रहती थी तो 6 महीने मुझे पलंग पर लेटना पड़ता था। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। लास्ट स्टेज में जब मैं यहाँ आने वाली थी उससे 1 महीने पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मेरे पेट में एक बूंद पानी भी नहीं रुकता था, 1 मिनट में खड़ी भी नहीं हो पाती थी। और तो वो पुस्तक पढ़ी थी तो सब जगह दिखवा लिया था, मतलब सभी पंडितों के पास दिखवा लिया था, झाड़ फूक भी करवा ली थी, मेडिकल चेकअप भी करवा चुके थे, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर हमने बोला पापा एक काम करते हैं, अपन संत रामपाल जी महाराज के आश्रम चलते हैं, शायद वहाँ से कुछ हो जाए। तो पापा ने बोला ठीक है। फिर आप ही बताइए सर, जब कोई 1 महीने से कुछ खा नहीं सकता, उसके पेट में एक बूंद पानी नहीं रुक सकता है, तो क्या वो इतना लंबा सफ़र करके और कैसे आ सकता है। फिर भी मालिक ने मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं संत रामपाल जी महाराज के आश्रम तक आई और मैंने नामदान लिया। मैं 1 मिनट खड़ी नहीं हो सकती थी, फिर भी जब हम लोग यहाँ आए थे आश्रम तो कबीर जयंती थी तो भीड़ बहुत थी, फिर भी मुझे मालिक के दर्शनों के लिए मुझे 3 घंटे लाइन में लगना पड़ा। मैं 3 मिनट नहीं खड़ी हो पाती थी, फिर भी मालिक की मुझ पर रजा हुई कि मैं 3 घंटे कंटिन्यू खड़ी रही। और गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने मुझे जैसे ही आशीर्वाद दिया वैसे ही मेरा सारा कष्ट तत्क्षण ही खत्म हो गया। नमस्कार बहन जी। सर साहिब। क्या नाम है आपका? अरुंधति। कहाँ से आए हैं आप? शाहनगर जिला पन्ना MP। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? हम सभी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते थे। हमारे पिताजी हैं वो गीता जी का पाठ करते थे, हनुमान जी का पाठ भी करते थे। हमारे यहाँ डेली गीता जी का पाठ और हनुमान जी का पाठ होता था। हमारी माता जी हैं वो दुर्गा जी के व्रत रखती थी, साल में जितने भी व्रत होते हैं सभी व्रत को करती थी। ऐसा कोई व्रत नहीं था जो हमारे घर में हो ना। आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज की एक तो पुण्यात्मा पन, मेरे पापा जी पन्ना में रहते हैं, उन्हें किसी भक्त आत्मा ने ज्ञान गंगा पुस्तक दी, पर मेरे पिताजी ने उसको लाया और पढ़ा, उसमें अंडरलाइन करके मुझे दिया, मैंने भी पढ़ा उसको और उसी के जरिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? आश्रम से आने के जस्ट 7 दिन बाद ही जब हम घर लौटे तो मैं छत में गई थी, तो मेरे गिरने से एक बार मेरा कान फट गया था, तो मेडिकल चेकअप करवाया तो डॉक्टर ने बोला आपके कान का ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन ये पक्का नहीं है कि ऑपरेशन कराएंगे तो ठीक ही हो जाएगा और सुनाई ही देगा, बस आपका दर्द नहीं होगा। तो मैंने बोला कि चलो ठीक है। फिर पापा बोले कि एक काम करते हैं, सत्संग संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में सत्संग फ्राइडे को होता था और सैटरडे को डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बुलाया, तो पापा ने बोला कि ऑपरेशन के लिए नहीं जाते हैं, संत रामपाल जी महाराज के आश्रम चलते हैं, शायद वहाँ से ठीक हो जाएगा। तो हम लोग वहाँ से संत रामपाल जी महाराज के आश्रम आए। बहुत सारी मैं दवाई लेके रखी थी क्योंकि दर्द बहुत होता था, तो सारी दवाई बाहर निकलवा के रख दी थी। तो जब मैं अंदर गई तो मेरा दर्द भी ख़त्म हो गया। फिर मैं जब आशीर्वाद लेने गई तो मेरा कान का भी दर्द बिल्कुल ठीक हो गया और कुछ दिन में मुझे सुनाई भी देने लगा भगत जी। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज अभी जेल में है तो उनके प्रति आज आपकी आस्था कैसी है? हमारी आस्था तो उससे भी ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि कहते हैं दिल अंदर दीदार दर्शन बाहन अंत न जाइए। परमात्मा तो हमारे दिल में है, परमात्मा तो सब लीला करते हैं, संत रामपाल जी महाराज तो लीला करते हैं और इस देश को बचाने के लिए, डूबती हुई जनता को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। परमात्मा तो लीला कर रहे हैं, परमात्मा जेल में नहीं, हम उनके लिए एक कदम रखते हैं तो परमात्मा हमारे लिए 101 बार खड़े रहते हैं। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज, भगत तो सभी जानते हैं कि परमात्मा है, लेकिन मैं विशेषकर हरियाणा सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि ये परमपिता परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हैं और ये शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति बताते हैं इसको कर लो, ये अपन सबके लिए गोल्डन चांस है। अगर ये चांस निकल गया तो फिर अपन ये सब लोग सर पटकते रह जाएंगे और ये भक्ति और ये गुरु नहीं मिलेंगे। तो मैं भगत समाज से यही कहना चाहती हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के शरणों में आओ और भक्ति करो और अपना कल्याण कराओ। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तकें ज्ञान गंगा या जीने की राह निशुल्क मंगवाने के लिए आप अपना पूरा नाम, पता और मोबाइल नंबर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें
नंबर है 7496801825। अब देखिए जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन निम्न टीवी चैनलों पर, जनतंत्र टीवी पर सुबह 5 से 6 बजे तक, नेपाल वन पर सुबह 6 से 7 बजे तक, MH1 श्रद्धा टीवी पर दोपहर 2 बजे से 3 बजे तक, ईश्वर टीवी पर शाम 7:30 से 8:30 तक, शुभार्थी टीवी पर रात्रि 8 से 9 बजे तक, साधना टीवी चैनल पर रात्रि 8:30 से 9:30 तक, लोकशाही टीवी पर मराठी भाषा में सुबह 5:55 से 6:55 तक। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।